अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सीता माता अकेली अशोक वाटिका में बैठी अश्रु बहा रही हैं। क्यों छोड़ गए मेरे पति मेरे प्रभु, ये बार बार दोहरा रही हैं। सिर्फ सीता माता ही नहीं, बिछो में भी हाल है। उनसे दूर होकर सीता माता की याद में उनके नयन भी सजल हैं। नान्या हृदय अस्मदीय सत्यम बदाम चा और तुम्हें प्रोग्राम में कामा दोषरैतंकुर्मानुसंचा। ऐसे में पवन पुत्र हनुमान आ जाते हैं और सीता माता के चरणों में शीश नवाते हैं। सीता माता का पता लगाकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास लौट जाते हैं और भाव विवल होकर वैदेही का हाल सुनाते हैं। ये लीजिए। अरे मेरा फोन, बेटा मेरा फोन दो, चाहिए मुझे। अरे कहाँ भाग रहा है मेरे को फोन? बेटा मस्ती का टाइम नहीं है, मुझे मेरे ट्रेन की टिकट है उसमें यार। मेहमान, लेकिन हमने तो मेहमानों को बुलाया ही नहीं। ये तुमने क्या किया बेवकूफ? सारे कपड़े खराब कर दिए सर के। अच्छा हुआ शिवा सर ने सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, वरना जो एक ग्लास नहीं संभाल सकता वो बिजनेस कैसे संभालता। शाबाश छोड़ो, ऐसे ही लगाम कस के रखना इन बिगड़ेल घोड़ों की। बेलगाम घोड़े हैं, तोड़ जाते हैं बहुत आगे। मम्मी जी, पापा जी, ये तुम ठीक नहीं कर रहे शिवा। आखिर हो क्या गया है आपको शिवा सर? इतना कैसे गिर सकते हैं आप? हम वही दोहरा रहे हैं जो बचपन से इन लोगों ने हमें सिखाया कि नौकरों के साथ नौकरों की तरह ही पेश आते हैं। कल तक हम इनके इशारों पर नाचा करते थे और आज ये हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। अब इसमें गलत क्या है पल्लवी जी? छोटू, इन लोगों पर ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती ना करें। अरे बहुत मस्ती होगी बेटा, मेरे को फोन चाहिए। हो गई मस्ती, मैं ले लूं? बंदर, थैंक गॉड फोन मिल गया। चल गाड़ी स्टार्ट कर, चल चल जा जा चल 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 चल। क्या उपस्थित आप सभी महानुभवों को हमारा हाय हेलो नमस्कार। जौनपुर बड़ा बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते हम यानी शिवा शास्त्री आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आप लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि इस पद पर कार्य करते हुए आप सभी लोगों की उन्नति और विकास पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा और उस पर हम खरे उतरेंगे। आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। प्लीज बैठिए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और शास्त्री जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं शास्त्री जी? एक तो चुनाव ही नहीं हुए और ये शिवा अध्यक्ष कैसे बन गए भाई? आप अगर ये टैक्सी नहीं लेके जा रहे तो मैं ले जाऊं, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है। पागल है क्या? चल निकल यहाँ से। अरे नहीं पागल नहीं हूँ मैं, मुझे बहुत जरूरी काम है। कोई टैक्सी नहीं मिल रही है तो आप भाई बहन का झगड़ा बाद में निपटा लेना, मैं टैक्सी ले जाता हूँ। बात समझ नहीं आती तुम्हें? चल चल। पापा जी हमें दीजिए और जाकर उतारिए नौकरों की डिराइस, हम करेंगे ये सब। आप होती कौन है बीच में आने वाली? इस घर के मालिक शिवा सर हैं,
और ये सब उनके नौकर हैं। ये सब वही करेंगे जो शिवा सर कहेंगे। और शिवा सर ने कहा है कि कहां मर गए घर के सारे नौकर। बात सबके सब मेहमानों के हाथ खाली है और आप लोग यहाँ पटेलाई कर रहे हैं। ठंडा लेकर आइए बात। चलिए पापा जी, हम ये सब कर लेंगे, आप मत कीजिए प्लीज। नहीं पल्लवी जी, आप ये सब काम नहीं करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेगी ये? क्यों, ये सबसे अलग है क्या? बिल्कुल, पल्लवी जी आप लोगों से बहुत अलग है। काफी फर्क है आप लोगों में। आप लोग इस घर के नौकर हैं और पल्लवी जी इस घर की रानी है। और रानियां कभी काम नहीं करती हैं, करवाती हैं। और आप होते कौन है हमें रुतबा देने वाले? हमारे और हमारे परिवार के बीच में अंतर पैदा करने वाले? हमें अपने परिवार से दूर करने वाले आप होते कौन है? हमें नहीं चाहिए आपकी कोई मेहरबानी और ना ही हमें इस घर की कोई रानी बनना है, समझे आप? हमने आपको रानी बनाया है लेकिन हमें ना कहने का अधिकार हमने किसी को भी नहीं दिया, आपको भी नहीं। आप शायद भूल रही हैं कि वो आदमी अब भी हमारे कब्जे में। हमारे खिलाफ जाने का मतलब है आपके पति की जान खतरे में आ जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अब से हमें ना नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम शास्त्री जी, जरा ठंडा लेकर आइए बाहर। देर से वो तुझे कुछ बोल रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा? हाँ, प्लीज मुझे बचा लो। अरे तुम कहे बीच में आ रहे हो बे, पूरा जाओगे बाकी यहां से। ये क्या हुआ, शास्त्री जी अपने घर में नौकर बन गए? Yeah!
घर के बाहर पूजा हो रही है और घर के अंदर पार्टी, आखिर चल क्या रहा है ये शास्त्री भवन में? तब क्या? हमारे घर में चल रही इस पूजा में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान का दूसरा रूप होते हैं, इसीलिए पापा जी, मम्मी जी और बाकी घर वाले सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है। अब आप लोग चलिए और बाहर चलकर भगवान जी का प्रसाद ले लीजिए। पार्टी अब खत्म हो चुकी है, आप लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाकर कपड़े बदल लीजिए। लंक राजा बन गया और राजा जमीन पर आ गया। अगर हमें सत्ता का फायदा उठाना है तो अपने ससुर जी और ससुराल वालों का साथ छोड़कर शिवा की पार्टी में जाना होगा। दिखाई नहीं दी आपको? अपने पति की इतनी फिक्र और पिता की जरा भी नहीं? अरे किन की फिक्र की बात कर रही हो तुम? हाँ, इनकी, इनकी वजह से आज हमारी ये हालत है, समझी तुम? आनंद भैया, तुम तो बस चुप करो। तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़ के चला गया ना, तब तुमसे ये सब देखा नहीं जा रहा है? हाँ, आप यहाँ की नहीं लगती हैं। कहाँ से आई हैं आप? आज मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन कभी यही की हुआ करती थी। यही बात इस शहर को याद दिलाने और मेरी गलती की माफी मांगने के लिए आई थी, लेकिन खाली हाथ वापस जा रही हूँ। और ये लोग? वो लोग कौन थे मैं नहीं जानती, लेकिन शायद मुझे मेरी गलती की सजा देने आए थे। जो लोग परिवार को छोड़कर जाते, कदम कदम पर ऐसी ही सजा पाते। घर छोड़ के Oh my God, मैं भी क्या बात लेकर बैठ गई। वैसे आप भी कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं भी कहीं जा रहा था। रिक्शा, तुम्हें जहाँ पे भी जाना है तुम्हें छोड़ दे। जुर्मा दीदी, हमारे पति गए जरूर है, लेकिन हमें छोड़कर नहीं गए, और आप देखना वो लौटकर वापस जरूर आएंगे। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता है पल्लव जी, आपकी बातें इनके समझ में नहीं आने वाली।
और तुम अपनी लंबी जबान को ना थोड़ा मुंह में बंद करके रखा करो। जाओ, जाकर कुछ काम करो। चलो। समझ तो आप नहीं रहे हैं शिवा सर। हमने आपसे पहले भी कहा था और आप दोबारा कह रहे हैं। हमारे ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। हम और हमारे घर वालों के बीच में मत बोलिए आप, समझे? मम्मी जी, पापा जी, प्लीज आप लोग जाइए। आप क्यों खड़े हैं? इस घर में मुफ्तखोरों की कोई जगह नहीं है। जाइए और जाकर कुछ काम कीजिए, वरना अपनी तशरीफ का टोकरा उठाइए और रवानगी लीजिए यहाँ से। हमें जमीन पर गिराया है ना तुमने पल्लवी, अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर रहेंगे। देखो हम क्या करते हैं। ये किसकी मौत का इंतजाम करने जा रहे हो? चुप रहा करो तुम। ध्यान से बेटा, देख लेगा आप, नीचे आ जाओ। राम की छवि प्यारी, सिया हरसाई, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, जोर से चिल्लाई, बोलो सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। हनुमान जी,
रामचंद्र की, जय रामचंद्र की, जय रामचंद्र की। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।